अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा प्लान है कुछ खाने के बाद खाने का ना, तो उसके लिए मैं अभी निकल रहा हूँ। ये लोग कह रहे थे कि भाई जाना कहाँ है, मतलब अभी देखते हैं कि हुसैनाबाद या कोई और कोई फूड स्ट्रीट जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएँ थोड़े कम पैसों में, और इतना खाया भी नहीं जा सकता क्योंकि खाना ऑलरेडी खा चुके हैं। तो देखें कहाँ जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा भाई मैं थक जाता हूँ ऑफिस से आके तुम लोगों के ये ब्लॉग का चक्कर और सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा ख्याल कर लो भाई मेरा, दोबारा आके एडिट करना। और बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे ही हैं कि जो मैं छोड़ देता हूँ, एडिट ही नहीं कर पाता, और अभी भी मोबाइल में ही है वो, तो एडिट करके उनको फिर अपलोड भी करना पड़ता है। और जमा होती जा रही हैं चीज़ें, एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो देखें आज के कहाँ जा रहे हैं, साथ रहिएगा, आपको भी दिखाते हैं और एक्सप्लोर कराते हैं नई जगह, शायद अगर कोई मिल जाए। वैसे तो कराची में मुझे, जब मैं सोचता हूँ कहीं जाने के लिए, तो मुझे लगता है मैं सारी जगह जा चुका हूँ और सारी विज़िट हो चुकी हैं, लेकिन ब्लॉग के लिए जो है वो वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो हो सकता है कोई नई चीज़ मिल जाए, कुछ सोचा नहीं है वैसे मैंने अब तक। ये क्या, ये तो मैं दोरा जी आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला गाड़ी चलाते चलाते यहाँ तक आ गया। छोले गरम, छोले गरम, दोरा जी आ गया है, गोलगप्पे चना चाट। ये क्या हो गया भाई, मैं तो दोरा जी पहुंच गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, जबकि रास्ते मुझे कराची के सारे याद हैं। बिलाल भाई आपको तो पता है कराची के सारे रास्ते मुझे याद हैं, सरजानी से लेके चीन चौक कहीं भी ले जाए, नुमानुद्दीन अहमद आपको पहुँचा दें। तो दोरा जी आ गए हैं यहाँ बाइट्स फॉर लाइफ, मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, तो लोगों ने कहा कि यहाँ चिपोटले बहुत फेमस है, तो हम उसके लिए बैठे हैं, ऑर्डर कर दिया है। इसके साथ साथ पोटैटो बाइट्स भी हैं। इसके बाद जो है वो गोला घंटे का प्लान, तो अभी हम मेन रोड दोरा जी पर मौजूद हैं, इधर आएंगे ठीक है, जैसे ऑर्डर आता है फिर आपको भी दिखाएंगे। उसके बाद फिर गोला घंटे का प्लान मैं तो पहुँचना होता है, ऑफिस भी जाना है और यहाँ चक्कर नहीं होना, थक हूँ और जो है ना खा खा के उनके पेट नहीं भरते मुझे बेमास। देखें जी पोटैटो बाइट्स आ गए हैं और इसके साथ आए हैं चिपोटले, चिपोटले फ्राइज। इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा बना है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा जी चिपोटले ट्राई करते हैं, देखें कैसा है। इससे पहले मैं ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन वाकई में बहुत मज़ा आ गया, इसका मज़ा ही अलग, बिल्कुल अलग फ्लाइट है। इसको खाएं तो आप एक जहाज़ में बैठ जाएंगे, आपको पता ही नहीं वो जहाज़ जहाँ का, इसको इन्जॉय करते हैं और आपको आना पड़ेगा इसको खाने के लिए, खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा सा बाइट्स फॉर लाइफ पर। दोरा जी पे आए विजिट करें। अच्छा एक चीज़ तो डिस्क्लोज ही नहीं की कि ये इतना खर्चा हो क्यों रहा है भाई, तो ये हमारे सलमान भाई हैं, ये होते हैं जिनके लिए लड़की नहीं मिलती, मैंने पहले बताया था ना, हाँ तो ये आज लेकर आए, ये जो है वो आज मैं आप लोगों को खिलाऊंगा। सलमान भाई आपकी तनख्वाह तो इसी में चली जाती है, तो आज आपको मैं खिलाता हूँ जो भी है। तो आज सारा बजट जो है ना वो सलमान भाई की तरफ से है और सिर्फ हम खाएँगे, इन्जॉय करें। अगर आपके पास भी ऐसे कोई सलमान भाई घर पे हैं तो उनको इस्तेमाल करें। ये क्या भाई, हमें जो है वो आलू के चिप्स खिला दिए और अपने लिए क्या मंगाया है, ये देखें जरा, ओ वाओ, ये क्या है, क्या है ये बताओ, पैरी पैरी, पैर पकड़ लें आप और पैरी पैरी खा लें। ये देखें क्या क्या है इसके अंदर, पता नहीं कोई फालतू की चीज़ लग रही है मुझे, खैर हम तो भाई इस टाइप के नहीं हैं, ये तो कोई बेकार है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही। ये भाई मंकी आ गया भाई यहाँ पे, तो मंकी वाला आ गया है, मंकी जो है वो डांस दिखा रहा है अपना, ये देखें जबरदस्त जबरदस्त, मंकी भी लग रहा है कि बेरोजगार है बेचारा, तहत मंकी बता रही है।
वाह भाई वाह जबरदस्त मजा आया। आज मंकी भी मिलना है क्या? वाह वही मंकी डांस कर रहा है भाई। आजकल देखें हालात कितने खराब हैं कि मंकी नाचने में मजबूर हो गया पैसों के लिए। सलाम भी कर रहा है बेचारा। दांतों में उंगली बजा के। अच्छा जी हमें जो है वो बंदर वाला दिख गया है यहाँ पे और वो जो है वो किसी पड़ गया। हमने जबकि पैसे भी दे दिए उसको, उसने गाड़ी की बोनेट पे डांस दिखा दिया मंकी का, लेकिन अब वो कह रहा है कि डांस देखें और पैसे दें। आपको भी दिखाते हैं कि बंदर डांस कैसा कर रहा है। ये ले जनाब बंदर का डांस, रात के 11 बजे आपको दिखाएंगे हम बंदर का डांस, मंकी डांस। क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये, कर क्या रहा है ये? क्या होएगा? ये जी एक और आइटम भेल पूरी जो है वो आ गई है। अब इसके साथ पानी थोड़ा सा कम आया है, वो देखते हैं कि किस तरह खाना होगा। पानी मंगवा दे ना, क्या क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल ही भर दिया है उन्होंने। बोला घंटा ट्राई कर लें, फिर बात करते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है। उसके बाद जो है वो निकलेंगे घर, ऑफिस भी है, आप लोग भी विज़िट कीजिएगा यहाँ पे। और उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी दोरा जी विज़िट कर चुके हैं, काफ़ी पुराना एरिया है, पुरानी पुरानी स्ट्रीट है, वहाँ रहते हैं। मैं भी अक्सर आता रहता था, अब टाइम नहीं मिलता, तो आज काफ़ी दिन बाद आए हैं, तो बस अब खा के निकलेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद फ़िलहाल कुछ अभी खाने का प्लान नहीं है, तो इंशाल्लाह देखिए अब नेक्स्ट ब्लॉग क्या बनाता हूँ मैं। कुछ प्लान तो है मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए, लेट्स सी। तो जुड़े रहिएगा साथ में, इंशाल्लाह एक और ब्लॉग भी आने वाला है। बाय बाय। ले जनाब गोला गंडा भी आ गया है, क्या क्या शशके इसके अंदर डाले हुए हैं अभी तो खा के पता चलेगा जी। और गोल गप्पे जो हैं वो खाए जा चुके हैं, अब इसकी बारी है।